दोस्तों, आप प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट में आप अपना नाम या अपने किसी पड़ोसी का नाम या अपने किसी दोस्त का नाम या फिर किसी अपने रिश्तेदार का नाम या फिर किसी अपने मोहल्ले के निवासी का नाम या अपने किसी गांव के निवासी का नाम देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल टेक्निकल आदिल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट कैसे निकालें। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आना होगा और यहाँ सर्च करना होगा iay.nic.in। देखिए, आप ये सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आप उसी पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ आप थ्री डॉट दिख रही हैं, इस पर थ्री डॉट पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करके डेस्कटॉप साइट लिखा है, इस पर क्लिक करिए। तो गाइस, आपके सामने ये पूरा जैसे कंप्यूटर पर पेज खुलता है वैसे ही आपके सामने खुल जाएगा। अब आप इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर लिखा है आवास सॉफ्ट, इस पर क्लिक करिए तो आपके सामने एक अभी पेज आएगा। इस पेज को यहां से कट कर दीजिए। अब गाइस, फिर से उसी पर क्लिक करिए आवास सॉफ्ट पर। गाइस देखिए, आवास सॉफ्ट पर क्लिक किया, अब यहां पर लिखा है दूसरे नंबर पर रिपोर्ट। अब आप इस पर क्लिक करते हैं रिपोर्ट पर, तो अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है और ई ऑप्शन है। इस पर लिखा है SECC रिपोर्ट। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है कैटेगरी वाइज SECC डाटा वेरिफिकेशन समरी, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए ऑल स्टेट्स है, इसमें से आपको अपनी स्टेट चूज़ करनी होगी, तो मैं स्टेट चूज़ करता हूँ झारखंड। आपकी जो भी स्टेट हो आप वो चूज़ कर लें, मैं जैसे झारखंड चूज़ करता हूँ। अब इसके बाद एक और नया ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपको अपना शहर चूज़ करना है, तो मैं अपना शहर चूज़ करता हूँ। अब इसके सामने आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, तो मैं अभी देखिए करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, तो मैं कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर अपना जो भी गांव है वो चूज़ करना है कि क्या एरिया है, तो मैं अपना कर लेता हूँ। देखिए, मैंने कर लिया है चूज़। गाइस, अब आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। गाइस देखिए, यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, इधर लिखा है 28+90, तो आप इसे जोड़ दीजिए, जो भी आंसर निकले वो इधर टाइप कर दीजिए। अगर आपके ये कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो इधर देखिए, ये यहाँ पे दो तीर के निशान है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो दूसरा कैप्चा आ जाएगा। तो गाइस, मैं इसे जोड़ देता हूँ। 90 और 28 कितने होते हैं, 118। अब यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ।
तो गाइस आप अब एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने इसकी लिस्ट आ जाएगी और यहाँ डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके या डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करके आप पीडीएफ या एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मैं स्क्रॉल करके पूरी लिस्ट दिखा, तो गाइस देखिए आपके सामने पूरी लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, यहाँ पर मुखिया का नाम दिया है, बेनिफिशरी नेम, और यहाँ पर देखिए फादर्स नेम दिया है उसका। तो गाइस इस तरीके से आप पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं। अगर गाइस आपको जिसका आप नाम देख रहे हैं उसकी पूरी डिटेल्स निकालना है क्या कहाँ नाम है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप क्लिक कर दें तो आपके सामने पूरी फाइल खुल जाएगी। देखिए गाइस उसकी पूरी डिटेल्स आ गई है, यहाँ उसका फ़ोटो आ जाएगा। देखिए गाइस पूरा एड्रेस, बैंक गैंग सब लिखा है, ये जहाँ जिसमें पैसा आना है हर चीज़ लिखी है। तो गाइस इस प्रकार से आप अपने परिवार या आपके आसपास के पड़ोसी या आपके गांव का कोई भी निवासी या आपके शहर का कोई भी निवासी या आपके मोहल्ले का कोई भी निवासी का आप प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट में इस प्रकार से नाम देख सकते हैं। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस अगर आपको इसी टाइप की रोज़ वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गाइस आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार दोस्तों।